नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और आप देख रहे हैं 11 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में जो फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें नंबर वन पर कौन रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 अरबपतियों की लिस्ट में नंबर वन पर कौन रहा है? ऑप्शन ए है जेफ बेजोस, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी और ऑप्शन सी बिल गेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जेफ बेजोस जी, जो अमेज़ोन के संस्थापक हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, जो हाल ही में फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें इनकी संपत्ति 111 मिलियन इनकी संपत्ति पाई गई है और ये दुनिया के सबसे अमीर बंदे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी जी की, जो कि इंडिया के सबसे अमीर बंदे थे और वो एशिया के सबसे अमीर बंदे पहले थे, लेकिन अब इनकी जगह जो चाइना के अलीबाबा, जो एक ऐप है अलीबाबा, जिनके संस्थापक हैं मैक जो, वो अब एशिया के सबसे अमीर बंदे बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं बिल गेट्स के बारे में। ये दुनिया के तीसरे नंबर के यानी कि थर्ड नंबर के सबसे अमीर बंदे हैं। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में 5T नामक टीम का कोविड-19 की वजह से गठन किया है? तो फ्रेंड्स, जो 5T नामक जो टीम का कोविड-19 की वजह से गठन किया है, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा दिल्ली। जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने अभी 5T नामक टीम की कोविड-19 के हालातों को देखते हुए घोषणा की है इस टीम को बनाने की। तो फ्रेंड्स, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बातें भी कर लेते हैं। अब दिल्ली के सीएम कौन हैं? अरविंद केजरीवाल जी। और राज्यपाल का नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो जामा मस्जिद है वो भी दिल्ली में है, लाल किला वो भी दिल्ली में है। दिल्ली भारत की राजधानी है। और चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके सीएम योगी आदित्यनाथ है और आनंदीबेन इसकी राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश में ही हाल में ऑटो एक्सपो जो हुआ हाल ही में फरवरी महीने में, वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। और राजस्थान राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भी है। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर जी। हाल ही में आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब केसेस की संख्या 30 हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप हिमाचल के निवासी हैं। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे, वे अब किस वर्ष में होंगे? जो आपको पता होगा, जो टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होने वाले थे 2020 में, वो अब स्थगित कोविड-19 की वजह से कर दिए गए हैं। अब वो किस वर्ष में होंगे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है 2021, 2022, 2023 और 2024। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है 2021। अब ये जापान में जो टोक्यो ओलंपिक होंगे वो 2021 में होंगे, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए कोई भी देश इस बारे में रिस्क नहीं लेना चाहता, तो अब ये 2021 में होंगे। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बातें भी कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी मुद्रा येन है। और जापान के जो प्रधानमंत्री है, उनका नाम है शिंजो आबे। और 2022 में जो फुटबॉल का विश्व कप है वो आयोजित किया जाएगा, और फ्रेंड्स ये आयोजित किया जाएगा कतर में। अब बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा वो 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह प्राउड की बात है कि ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। विश्व में 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन हैं विराट कोहली,
रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के क्रिकेटर और ऑलराउंडर बेन स्टोक। तो पहले आंसर की बात कर लेते हैं, इसके आंसर होगा बेन स्टोक। बेन स्टोक हैं जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर है और 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आपने देखा था कि फाइनल मैच में कैसे इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के सामने फाइनल मैच जिता दिया था। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता। तो आपने याद रखना है, ये जीता इंग्लैंड ने और इसमें इन्होंने किसको हराया, न्यूजीलैंड को। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली जो कि नंबर वन वनडे और T20 खिलाड़ी हैं। विराट कोहली जो इंडिया से संबंधित हैं और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा जी की। रोहित शर्मा जो कि अभी हाल में ला लीगा की ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ को जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रहे हैं और इनको पिछले साल ही बैन भी इन पर लगा था क्योंकि इन्होंने एक मैच में मैच को फिक्स किया था और इन पर ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट बोर्ड है उसने, आपको याद रखना है कि उन्होंने 2 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया था। और ये डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ पर, दोनों पर ये 2 साल का बैन लगाया गया था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, तब मैंने ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। पहला ऑप्शन है रंजन गोगोई जी, शरद अरविंद बोबड़े, लिंगप्पा नारायण, जयराम ठाकुर जी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा आपका शरद अरविंद बोबड़े। तो फ्रेंड्स चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। शरद अरविंद बोबड़े हैं ये अब 47, आपको याद रखना है 47 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है और ये सिर्फ एक है। भारत में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो है 25 और 25 में से जो लास्ट में बना है वो बना है तेलंगाना में। आपको पता ही होगा 2019 में 1 जनवरी 2019 से इसका शुभारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स शरद अरविंद बोबड़े तो हैं 47 नंबर वाले, और 46 नंबर वाले कौन थे? वो थे रंजन गोगोई। अब रंजन गोगोई जी के बारे में बात कर लेते हैं। रंजन गोगोई हमारे असम से, आपको याद रखना है ये असम से संबंधित हैं और इनको अभी ही रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, 12। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं लिंगप्पा नारायणन जी के बारे में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको पता ही होगा लिंगप्पा नारायणन जी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जयराम ठाकुर जी के बारे में। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने ऊपर ही इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स 10 अप्रैल की जो करंट अफेयर की वीडियो थी मैंने उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर रहेगा कि मुकेश अंबानी जी अब विश्व के 18वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यह पहले 9वें नंबर के सबसे अमीर बंदे थे लेकिन COVID-19 की वजह से इनको काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ा और अब ये 18वें नंबर के सबसे अमीर बंदे हैं। और जेफ बेजोस जी जो अमेजोन के संस्थापक हैं वो नंबर वन बन गए हैं। और फ्रेंड्स आज का जो 11 अप्रैल की जो ये करंट अफेयर की वीडियो है इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका आपने जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। याद रखिएगा, मोदी जी की कैबिनेट में राज्य वित्त मंत्री कौन है? और मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दे देता हूँ कि वे हिमाचल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।